आज हम आपके लिए बहुत नई रेसिपी लेकर आए हैं फ्रेंड्स, कच्चे केले की। तो आप कच्चे केले की सब्जी, कोफ्ता, चिप्स बहुत खाए होंगे, पर ये बिल्कुल नई रेसिपी है। तो इसे आज हम कैसे बनाएंगे, चलिए इसे दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो पूनम मिश्रा रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज देख सकते हैं, ये कच्चा केला है जिसे हम अच्छे से धुलकर और उबाल लिए हैं। देखिए, इस तरीके का बिल्कुल फ्रेश केला था ऐसा, और इसे हम उबाल लिए हैं। तो आज हम इससे आपको पूड़ी बनाना बताएंगे, जिसे आप कचौड़ी भी खा सकते हैं और समझ सकते हैं, स्वाद बिल्कुल कचौड़ी का आएगा इससे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सभी केले के हम छिलके हटा दिए हैं, और केला भी देखिए बहुत ताज़ा था। तो अब यहाँ पे हम कद्दूकस ले लिए हैं। इसे केले को हमें धीरे धीरे इस पर कद्दूकस कर लेना है, और बारीक वाला ही लीजिएगा। इस तरीके से हम इसे सभी केले को पहले कद्दूकस कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, केला हमारा अच्छे से कद्दूकस हो गया है, तो इसको हम अब एक साइड में कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एक कटोरी गेहूं का आटा लिए हैं, तो इसे भी हम इधर रख लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो आधा चम्मच के करीब ये नमक है। थोड़ी सी लाल मिर्च है, ये हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, और ये दो हरी मिर्च है। इसके बीज हम देख सकते हैं निकाल दिए हैं, ताकि ये तीखी ना बने पूड़ी ज़्यादा। ये दो चम्मच के करीब धनिया है, ये आधा चम्मच धनिया का पाउडर है, इसको भी डाल देते हैं। तो ये एकदम कचौड़ी का स्वाद फ्रेंड्स आपको आएगा आज ये इस पूड़ी से। और थोड़ी सी अजवाइन है, इसे भी हम क्रश करके इसमें ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। और हम सबको मिलाएंगे हाथ से इस तरीके से, एक ही में सभी को मिला देंगे धीरे धीरे। पानी अभी नहीं डालेंगे, पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें केला और आटा अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब हम थोड़े थोड़े पानी के छींटे लगाकर इस तरीके से आटे को थोड़ा सा सख्त लगा लेंगे। जिसे पूड़ी बनाते हैं जैसा आटा रहता है, उसी तरीके का आटा हम लगा लेंगे अब। चलिए, आटा देखिए हमारा लग गया है फ्रेंड्स। अब इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से ढककर और छोड़ देंगे इसको। चलिए, आटे को रखे, देखिए हमें 10 मिनट हो गया है। तो अब हम हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरीके से, तेल लगा के, और आटे को फिर से थोड़ा सा इस तरीके से मसल देंगे अच्छे से। चलिए, अब हम इसकी देखिए लोई बना लेते हैं। तो इस तरीके से आटे को ले लेंगे हम इस तरीके से, और इसको दो भाग में अब हम कर देंगे। अब इसे पूड़ी के साइज की हम इसकी लोई बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे बना बना के लोई रख लेंगे। चलिए, देखिए सभी लोइयों की हम अच्छे से पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम पूड़ी बनाना शुरू करते हैं। चलिए, अब हम चकले पे तेल लगा लेंगे इस तरीके से, और अब हम एक लोई को लेके और इसे हम अच्छे से धीरे धीरे इस तरीके से बनाएंगे पूड़ी को। चारों तरफ घुमा घुमा के बनाइएगा, ये नहीं कि बीच में पतली हो जाए या किनारे मोटी हो जाए। तो सभी तरफ से बराबर रहना चाहिए पूड़ी, तभी अच्छी बनेगी। तो ऐसे देखिए बना लेंगे सबको हम। अब ये दूसरी वाली है, देखिए इसको भी हम उसी तरीके से चारों तरफ से एक बराबर बनाएंगे। देखिए, सारी पूड़ी हमारी बन गई है। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। भाई, आप देखिए कढ़ाई रख दिए थे और रिफाइंड भी डाल दिए थे, जो अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें एक पूड़ी डालेंगे धीरे से इस तरीके से। देखिए, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा घुमा देंगे इस तरीके से। देखिए, पूड़ी हमारी कितने अच्छे से फूल गई है। तो अब इसे हम पलट देते हैं, इस साइड कर देते हैं, और इसी तरीके से हमें दोनों तरफ सेकना है अच्छे से पूड़ी को। चलिए, अब हम इसको निकाल देते हैं। देखिए, पूड़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है, तो इसे हम निकाल देते हैं। देख सकते हैं दूसरी पूड़ी भी कितनी अच्छे से देखिए बनी है, और कितनी फूली फूली बन रही है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस कच्चे केले की पूड़ी को फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई, कच्चे केले की ये नई रेसिपी आज हम आपको बताए हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत ही टेस्टी भी बनती है बिल्कुल कचौड़ी की तरीके से। तो रेसिपी आज की हमारी फ्रेंड्स अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप इसे किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, सब्जी से, चटनी से, अचार से, दही से। तो इस तरीके से ट्राई ज़रूर करिएगा, और करके बताइएगा कि आपकी ये कच्चे केले की पूड़ी कैसी बनी है। तो कल फिर मिलेंगे आपको हम इसी तरीके से एक और अच्छी और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।